गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। केरी की तबीयत पहले से थोड़ा बेटर है, उनको दवाई मैंने 3 टाइम दी है। थोड़ा सा अभी जब उठी है तो बहुत अच्छे से उठी है। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, सभी के लिए मैंने चाय बनाई, केरी को भी थोड़ा सा दूध दिया, बट इन्होंने उस टाइम नहीं पिया था। अभी मैं फिर से इनकी शीशी लेके आई हूँ। इनका मूड थोड़ा सा अच्छा देखा तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूं। केरी को शूज पहनने का बहुत शौक है, स्लीपर नहीं पहनती है। जैसे ही तैयार होगी बोलेगी, मम्मा शूज शूज शूज, मींस मेरे शूज लाके मुझे दे दीजिए। हेलो केरी, हाय बोलिए। केरी से हाय, क्या कर रहे हो? मम्मा पी रहे हो? मम्मा पी रहे हो क्या? अच्छा हाय बोलिए सभी को, ऐसे हाथ हिला के हाय बोल दो। अच्छा किसी दे दो, किसी दे दो बेटा, अच्छे से दे दो। मेरा राजा बेटा है ना, अच्छे से दे देगा किसी सबको, पता है आपको, सब लोग देखते हैं। हाँ अच्छा हेलो कर दो। हेलो कैसे करते हो केरी? हेलो कैसे करती है केरी? क्या कर रही है? अभी इनको दवाई फिर से रात में एक बार और दूंगी, विक्स लगाऊंगी इनके अच्छे से, और क्या कहते हैं, उसके बाद तो फिर मुझे अपना काम निपटाना है सारा, खाना बनाना है शाम का भी, और फिर से इनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना है, इनके लिए कुछ बनाना है। इनको मैगी बहुत पसंद आती है, किचन में डब्बा भी पहचानती है कि कुछ किस में मैगी रखी जाती है। मेरे पास जाकर सब कुछ मांग लेती है। केरी केरी केरी, हेलो बोल दो। केरी इधर देखो भैया। अच्छा अपने टेडी बियर को निन्नू करा दो, अपने टेडी बियर को निन्नू करा दो। केरू तुम्हारा टेडी बियर कहाँ रखा है? उसको निन्नू करा दीजिए। हाँ उठा लो, उसे मम्मा पिला दो। अच्छा टेडी बियर को मम्मा दे दो, उसे प्यास लगी है। हाँ इसको मम्मा पिला दीजिए। ये देखिए, इसमें ये अपना टेडी बियर रात में लेके सोती है, उसको चादर भी उड़ाती है। अगर वो खुला रह जाता है तो उसको तुरंत चादर उड़ा देंगी, भले खुद ना ओढ़े। हाँ मम्मा, अगर एसी बंद हो जाता है तो तुरंत इनको एसी चलवाना रहता है, क्योंकि इनको बहुत गर्मी लगती है। हो अरे केरी तो धम हो गई, अपने टेडी बियर को भी निन्नू करा दो। अच्छा गाना गा दो कान्हा वाला, इसके लिए कान्हा वाला सॉन्ग सुना दो इसको। दादी कौन सा सॉन्ग सुनाती है? खेरी जब छोटी थी तो इसको इसकी दादी रोज एक सॉन्ग सुनाती थी, और ये सॉन्ग सुन के उनकी गोदी में ही सो जाती थी। पहले ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती थी, अपनी दादी के पास ही खूब खेलती थी, और अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है हर समय मम्मा 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 करती है। बेटा वैसे दादी के पास ही खेलती थी हमेशा दादी, लेकिन इनको प्यार बहुत करती है। क्या चाहिए बेटा? सूज तो आपने पहने हैं ना, सूज तो पहने हैं ना, रोते नहीं हैं? पापा आएंगे तो दिला देंगे। पापा को आने दो, मम्मा को नहीं मिलेगा। किसी चीज की जिद कर रही है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ क्या चाहिए। क्या चाहिए बेटा? उसमें आपके शूज नहीं रखे हैं, मम्मा ने आपको आपके शूज पहना दिए ना, देखिए। ओली क्या हो गया भैया, रुइया करते हो क्या? अभी पापा आएंगे तो मम्मा दिला देगी। इधर देखो, इधर देखो, किसी चीज की जिद कर रही है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इनको क्या चाहिए। अच्छा इधर देखिए, इधर, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, आओ यहाँ पे देते हैं सामान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे रुको, अभी मम्मा सामान दे रही है। ये इनकी सबसे फेवरेट जगह है, यहीं पे ये खाना खाती है, यहीं पे मम्मा पीती है, यहीं पे खड़े होकर टीवी देखेंगी। और ये ऐसे लोया जाता है, पापा को आने दीजिए, मम्मा दे देगी सामान, मम्मा को नहीं मिलेगा। बेटा बेटा मम्मा को नहीं मिलेगा,
ओके दोस्तों, मैं यहीं पे अपना वीडियो पॉज करती हूँ, देखते हैं इनको क्या सामान चाहिए। ओके बाय बाय, प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।